और आज आपको बताया है कि आज मैं आपको नई जगह लेके आया हूँ जो कि बड़ा इमामबाड़ा के सामने ही हम रूमी गेट के पास खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं जो कि बड़ा इमामबाड़ा का गेट है, ठीक है। और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं रूमी गेट, ठीक है। इसका नाम रूमी गेट है जो कि आपका यहाँ पे जो बड़ा इमामबाड़ा पड़ता है उसका गेट है, ठीक है। और इसके पीछे जो आप देख रहे हैं इस दरवाजे से क्रॉस होके जो रोड गई है ये सीधा हजरतगंज की तरफ गई है। और जो ये इधर आप हमारे पीछे देखेंगे ये मेन रोड है इधर से, ठीक है। और इधर एक क्लॉक भी है जो कि पुराने ज़माने की बनी हुई है जिसका नाम घंटाघर के नाम से ही प्रसिद्ध है। और आगे भी आपको हम अभी बड़ा इमामबाड़ा लेके चल रहे हैं अंदर, आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो आप रूमी गेट तो देख ही चुके हैं, अब आपको अंदर लेके चलते हैं, अंदर का वीडियो दिखाएंगे, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। Step by step, clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Storms we chase.
chasing, leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. बाड़े के अंदर हैं इस समय, और अंदर का सीन आपको दिखा रहे हैं। ये ऐतिहासिक चीज़ें कुछ यहाँ पे लगाई गई हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, ये सारा जो सीन आपको दिखा रहे हैं अंदर का, ठीक है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो पर्यटक लोग आते हैं, हमारे दोस्त लोग, देखने के लिए लगाई गई हैं जो कि, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी ढेर सारी भीड़ रहती है हमेशा, और यहाँ पे जो पर्यटक लोग आते हैं देखने के लिए, उनको यहाँ पे अकेले नहीं घूमने दिया जाता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। तो इसको घुमाने के लिए यहाँ पे कुछ पर्सन लोग भी रहते हैं, और इसका चार्ज भी आपसे लिया जाता है, जो कि यहाँ पे चार्ज अपने हिसाब से, पर्सन के हिसाब से होता है एक। और आज हम आपको पूरा बड़ा इमामबाड़ा दिखाएँगे, इसमें भूल भुलैया भी है, और काफ़ी ढेर सारी चीज़ें आपको दिखाएँगे। इसके अंदर काफ़ी है, काफ़ी बड़ा है ये, क्योंकि